सो गाइस, आज है अक्टूबर 26, 2021 और टुडे इज ट्यूसडे और मैं निकल गया हूँ ड्यूटी की ओर, मतलब हॉस्पिटल की ओर। आज मेरा नाइट शिफ्ट है। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट सर्दी शुरू हो गई। और इस तरफ ये जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं, ये चंदका, इस तरफ राइट साइड में चंदका जंगल है और उसी के साइड में ये रोड है, ये हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और ये सबसे ठंडा रोड है भुवनेश्वर में, क्योंकि जंगल ये साइड में है। सो, ये अभी मज़ा आ रहा है। सो वी हैव रीच्ड माय हॉस्पिटल, रख लेते हैं। ऑलवेज प्रिफर स्टेयर्स ओवर लिफ्ट्स, यू नो, अगर वेट लूज करना हो तो। नमस्कार, आ गया एडा कैमरा डबरा। सो देयर इज माय एविस। तो एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट 8:53 और अभी फैट बर्नर ले चुका हूँ। अभी विल बी हेडिंग जिम जाके 1 आवर कार्डियो कंप्लीट करके विल बी हेडिंग होम। बाहर का मौसम, डन इन द जिम गाइस। बस कार्डियो ही था। 30 मिनट्स मैंने स्टेयर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस ट्रेनर में किया, फिर 10 मिनट्स का साइकिलिंग और 20 मिनट्स का इसमें ट्रेडमिल। एक पता नहीं क्यों एक मन की बात है कि जब भी सुबह मैं कार्डियो करता हूँ या फिर ट्रेनिंग करता हूँ, काफ़ी पॉजिटिव वाला फीलिंग आता है मुझे। पता नहीं आप लोगों को कैसा, मतलब फील आता है कि नहीं ऐसा कुछ, पर मुझे काफ़ी पॉजिटिव होता है। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था वर्कआउट वगैरह 2012 में, 2012 नवंबर दिसंबर एक अलग ही जोश में था और मैं पूरा सुबह 5 बजे जाके जिम के आगे खड़ा रहता था कि कब जिम खुलेगा और मैं अंदर जाऊँगा और वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगा। अभी उतना जोश तो है नहीं, पर अभी तो लाइफस्टाइल बन चुका है। पहले मोटिवेशन ज़्यादा था, अभी मोटिवेशन थोड़ा कम है। अभी मोस्टली अबाउट डिसिप्लिन, इट्स मोस्टली अबाउट डिसिप्लिन एंड हैविंग ए गुड लाइफस्टाइल। फॉर नाउ लेट्स गो होम, कुछ अच्छा खा के 1-2 घंटा रेस्ट लूँगा, फिर आई विल वेक अप एंड मीट यू गाइस देन। चलो गाइस, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी ऑलमोस्ट 12:45 रात के हो चुके हैं। अभी जस्ट सोने वाला था और मुझको याद आया कि आई नीड टू शेयर विथ यू गाइस, एक पार्सल आया हुआ था, सो उसका अनबॉक्सिंग बाकी था, सो आई थॉट व्हाई नॉट नाउ। और कल मेरा डे शिफ्ट भी है और उसका यूज़ करके भी देख लेंगे हम लोग इसी वीडियो पे होपफुली, सो वरना अगले वीडियो पे। अभी अगर ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो का शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। So this is the parcel. Let's open it. आज मेरा ये नहीं था, क्या बोलते उसको, कटर नहीं था। आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। Hopefully खुल जाए इससे। So आज you can see यहाँ पर लिख दिया गया है MagnaPod। अगर आप लोगों को पता होगा तो ये एक टैंक बैग है राइनॉक्स की तरफ से, काफ़ी रिलायबल रिव्यूज़ है इसका, सो हम ट्राई करके भी देख लेंगे। सो दिस इज द बैग। ये राइनॉक्स की तरफ से टैंक बैग है। चलिए, मुझे चाहिए था क्योंकि
बाइक यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये हैंडी आता है, ये रहा बैग। ये मेरा भी पहली बार है, मैं इसको कभी यू नो लाइव नहीं देखा हूँ, अभी देख रहा हूँ। सो आई विल बी गिविंग द इनिशियल इम्प्रेशन। यहाँ पर मैग्नेट है इसके अंदर ये रहा, ये मैग्नेट्स हैं, पर मेरे बाइक के कुछ काम के नहीं आएंगे क्योंकि वो तो टंकी, उसका टैंक जो है वो फाइबर का है। सो यहाँ कुछ लिखा गया है, कुछ लिखा है, ये वाला ये सेक्शन में तो मोबाइल ही जाएगा। और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। ये एक जिप है और ये जिप है, शायद यहाँ पर चार्जर वगैरह रहेगा ये वाले में। और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, अब आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, ये है रेन लाइनर, रेन प्रोटेक्टर कवर, इसको कवर देने के लिए। तो ये अच्छा भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। एक्चुअली ये सब बाइक में लगाने के लिए कल टाइम होगा, मतलब कल सुबह मैं इसको फिटिंग करूँगा बैक के ऊपर, शायद अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, यह ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। सो काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पर शायद एक लैपटॉप भी रह सकता है, लग ही रहा है वैसे। पर कैमरा तो डेफिनेटली कैमरा, और इमरजेंसी के टाइम में प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बार्स, खाने पीने का सामान, कैमरा, मोबाइल चार्जर वगैरह काफ़ी काम में आने वाला है। ये था बैग, ये है वो था, ये था इसका मेन कंपार्टमेंट बाय द वे। और इसके साइड में भी है छोटा सा कंपार्टमेंट, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। और दूसरे साइड भी है कंपार्टमेंट, ठीक है ना। और इसको अनदर थिंग, इसको आप स्पेस बड़ा करने के लिए यू कैन, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस दे देगा आपको बैग में, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, सो यू कैन कैरी इजीली स्टफ। और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और काम का फीचर है मेरे लिए कि ये जो है ना, जहाँ क्या बोलते हैं इसको, कैसे निकले भाई दो भाई, इसको कैरी करना आसान है, ये सब जो कंधे में डाल के हम लेते हैं बैग, क्या बोलते हैं इनको मुझे एक्चुअली पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। सो दिस इज इट गाइस, दिस इज द राइनॉक्स मैग्ना पॉड, मुझको और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा तो लग ही रहा है, क्वालिटी वाइज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, आई एम हैप्पी अबाउट दिस। और यूज़ करके ही बोल पाऊँगा कैसा प्रोडक्ट का रिव्यू के बारे में, अभी तक तो इट्स क्वाइट गुड। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पीस आउट, और गुड नाइट, मैं सोने वाला हूँ, काफ़ी नींद आ रही है यार, यहीं सो जाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ।